हेलो। तो आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें 4.1 जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसी एक्टिविटी को आज हम लोग करेंगे। एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वही एक्टिविटी को आज हम लोग करना है। क्या क्या मेटेरियल का जरूरत पड़ेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो है एक बर्नर का जरूरत पड़ेगा, स्प्रिट बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड का जरूरत पड़ेगा, वायर गैस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ वाटर बाथ के लिए जो है हम एक कंटेनर बीकर ले लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए स्टार्च चेक करने के लिए, उसके बाद फॉर्सेप्स चाहिए, उसके बाद फिर ड्रॉपर चाहिए और फिर अल्कोहल चाहिए। और जिस लिप्स में हम लोग को देखना है, ठीक है ना, एक पॉटेड प्लांट का लिप्स को ले लेना है, ठीक है ना, वेरिएटेड लिप्स को लेना है। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले जो लिप्स हम जो लिए हैं उस लिप्स को इस वाटर बाथ के अंदर डाल करके इसको बॉइल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इस लिप्स को ले करके जो है ये वाटर बाथ के अंदर डाल देते हैं इसको बॉइल होने के लिए। कुछ समय तक बॉइल होने के लिए इसको डाल दिया जाता है इसमें। बॉइल होने के बाद इसे जो है इस लिप्स को निकालने के बाद, ठीक है, इस लिप्स को निकालना है और निकालने के बाद जो इसे अल्कोहल में, किसमें, तो अल्कोहल में एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में डाल देना है इसे, ठीक है ना। तो इसको निकाल करके ऐसे फॉर्सेप्स से निकाल करके इसको अल्कोहल में इसको डाल देना, ठीक है, अल्कोहल में इसे डाल देना, एक टेस्ट ट्यूब के अल्कोहल में इस तरह से इसको डाल देना, ठीक है ना। और अल्कोहल में डालने के बाद जो है इसे इसी तरह से वाटर बाथ में ऐसे में रख देना और इसे तब तक हीट करना है जब तक ये अल्कोहल हमारा ग्रीन कलर का ना हो जाए। अल्कोहल है वो अल्कोहल ग्रीन कलर का हो गया। अब इसे निकाल करके, ठीक है ना, अब इसे निकाल करके हम लोग आयोडीन का टेस्ट करेंगे। आयोडीन के कुछ बूंद इसमें डालेंगे जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि जिस जगह पर इसका स्टार्च है, ठीक है ना, उस जगह पर ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जिस जगह पर स्टार्च नहीं बना है, जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब वहां पर जो है वो फूड नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना, और बाद में वही ग्लूकोज कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स यानी स्टार्च में बदल जाता है, वहां पर स्टार्च नहीं होगा, उसी का हम लोग चेक करेंगे। तो अब जो है हम ये जो लिप्स इसमें इस लिप्स को निकालेंगे और निकालने के बाद जो आयोडीन का टेस्ट उस पर करेंगे। अब आयोडीन का कुछ ड्रॉप इसके अंदर जो है हम लोग डालेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाले पोर्शन पे ग्रीन ग्रीन कलर का था, यानी कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, तो ये वाला पार्ट देख सकते हैं ब्लू ब्लैक हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट में क्या देख रहे हैं, यहां पर येलो येलो कलर था, यानी कि इस जगह पर हमारा क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट था, और क्लोरोफिल यहां प्रेजेंट नहीं था मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस यहां पर नहीं हुआ मतलब कि यहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो देख सकते हैं इस जगह पर, इसी जगह पर केवल क्या है, ब्लू ब्लैक है, ये वाले पोर्शन पर ब्लू ब्लैक है, और जहां जहां पर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है मतलब कि वहां पर क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों का यह कंक्लूजन निकल करके आया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। जिस जगह पर क्लोरोफिल नहीं था उस जगह पर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग ये देखें उस जगह पर आयोडीन का जो है, आयोडीन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, आयोडीन से जब टेस्ट किए तो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस जिस जगह पर फोटो क्लोरोफिल था उस जगह पर देखें क्या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।